सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जब दो गुट ने दिए हुए संविधान में फर्क होता है, अलग अलग रहते हैं, तब महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष ने इलेक्शन कमीशन के पास डिस्प्यूट अराइज होने से पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल है उस पे निर्भर रहना है। और वो जो बार बार कह रहे हैं, जिसके बारे में सही अर्थ से तो मुझे जरूरत नहीं है उसके ऊपर ध्यान देने की, मुझे तो आदेश सुप्रीम कोर्ट का है, इलेक्शन कमीशन के पास है, उस हिसाब से काम करो। फिर भी मैंने ये दोनों पत्र देखे और उन दोनों पत्र में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ है और वो इलेक्शन कमीशन के पास सबमिट किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। उसमें केवल जो चुनाव हुए थे शिवसेना के, उस चुनाव के बारे में मालूमात इलेक्शन कमीशन को दी जा रही है, संविधान नहीं दिया जा रहा है। जो वो कह रहे हैं हमने सबमिट किया है संविधान, हमने अमेंडमेंट की कॉपी दी है सुप्रीम इलेक्शन कमीशन को,